गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की कक्षा आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली, विशेषकर उन लोगों के लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी की या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे सभी छात्रों के कॉमन क्वेश्चन चलता रहता है, उन्हीं क्वेश्चनों के जवाब मेरी तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है? जैसे सबसे पहले प्रतियोगी छात्र छात्र की मन में सवाल रहता है, क्या घर से तैयारी हो सकती है? इसके लिए क्या क्या जरूरी है? क्या किसी शहर में जाना जरूरी है या फिर किसी कोचिंग की जरूरी है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी सवाल रहते हैं आपके मन में। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम, किसी भी का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, IAS, PCS, SSC, रेलवे, आपका जो भी अन्य एग्जाम है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको दो काम करना है। ये आप घर बैठकर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बड़े शहर में जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप घर में एकांत मिल सकता है, आपको अच्छी व्यवस्था है आपके घर में कि आपको 2-4-6 घंटे बैठकर आराम से पढ़ने में के लिए मिल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं घर से। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर जाने की, ना कोई जरूरत है, ठीक है? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ हर कोई बाहर जा सकने में सक्षम भी नहीं है, ठीक है? हर किसी की कई प्रॉब्लम होती हैं, कई समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले दो काम करिए, उसका सिलेबस निकालिए। जो एग्जाम आपको बैठना है, जिसकी तैयारी करना है, तो उसका सबसे पहले पैटर्न और सिलेबस निकालिए। दूसरा, उसके जो पुराने पेपर हुए हैं, जैसे आपका PCS हो गया या IAS, तो इसके पुराने पेपर भी तो हुए होंगे पिछले पेपरों के, पिछले वर्ष में हुए होंगे, उससे पिछले वर्ष में हुए होंगे, तो उन पेपरों को लीजिए। सिलेबस प्लस पेपर, इन दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? उसके क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उसका परीक्षा का पैटर्न है। उसके बाद आप लोग परीक्षा की तैयारी शुरू करिए, ठीक है? और इसके लिए याद रखिए, इस टाइम आपके लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। अगर आप लोग सिलेबस की बात करें तो आपको कई यूट्यूब चैनलों पर भी मिल जाएगा, कई वीडियो में मिल जाएगा सिलेबस, या फिर आप गूगल पर जाकर वहां भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? सिलेबस के बारे में वहीं से आपको क्वेश्चन पेपर आपके पुराने मिल जाएंगे, ठीक है? दो, और तीसरा आपका क्वेश्चन है कि आप बिल्कुल घर से तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी शहर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? अब मेरी तरफ से क्या उपलब्ध कराया जाएगा आपको, और मेरी तरफ से जो भी उपलब्ध कराया जाएगा वो निःशुल्क रहेगा, उसके लिए आपको कभी भी कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? ये मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लेना है, और मेरी तरफ से जो उपलब्ध है आपके लिए स्टडी मटेरियल सभी परीक्षाओं के लिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। क्योंकि आप जीमेल हो, फिर चाहे फेसबुक पेज हो, कई जगह आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या करें, कहाँ से सिलेबस मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ आप जो लोग जाएंगे तो होम पेज पर पहुंच जाएंगे, इस तरह से होम पेज रहेगा। यहाँ आपको सर्च का बार मिलेगा, सर्च के लिए मिलेगा, तो यहाँ आपको लिखना है IAS PSC मोटिवेशनल स्टूडेंट जॉन। क्या लिखना है? IAS PSC मोटिवेशनल स्टूडेंट जॉन, और इसे सर्च करना है। जैसे ही इसे आप लोग सर्च करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस तरह से मेरे चैनल पर, ठीक है? ये है आपका चैनल। इस चैनल पर नमस्कार आप लोग अगर दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते ज्वाइन हैं नहीं किए, PSC सब्सक्राइब नहीं किए, IAS तो इसे के ज्वाइन कर एग्जाम लीजिए, पैटर्न के और बारे आप में, लोग इस ठीक है? घंटी को भी दबा लीजिए, यूनियन पब्लिक जिससे क्या होता सर्विस है कि जो कमीशन भी मेरे या द्वारा इंडियन लेक्चर होते हैं वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव आप तक सर्विस पहुंच कमीशन जाएंगे, उसका सर्विस नोटिफिकेशन या सिविल उसकी सेवा सूचना परीक्षा। आ जाएगी आप तक कि ये चलिए तो लेक्चर आ इसके चुका है। पैटर्न को बताते इसके हैं, बाद आपको बात क्या कर करना लेते है, हैं अगर इसके आप पैटर्न। लोग क्वेश्चंस मुझे भेजना चाहते हैं या किसी तरह का क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मेरी सबसे पहले आप लोग जीमेल याद करिए। ये है मेरी जीमेल, जिससे आपको
सहूलियत होगी और मुझे भी सहूलियत होगी, क्योंकि जीमेल मैं देखता रहता हूँ हमेशा, ठीक है, यहाँ मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। तो ये हमारी जीमेल, ISPCS PSC मोटिवेशनल स्टूडेंट्स जॉन @gmail.com, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ से आप लोग फेसबुक पेज से फॉलो कर सकते हैं, या आपको ब्लॉग भी मिल जाएगा मेरा, मेरी जो साइट है उस पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जीमेल यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो भी मेरे द्वारा क्लास ली जाती हैं उन सभी की आपको PDF यहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ आपका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो यहाँ जाकर आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी आपकी PDF होंगी वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कि इस मंच पर आपको क्या क्या मिलेगा मेरे द्वारा, हमारी तरफ से जो भी आपको फ्री है वो क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको IAS के लिए लोग पूछते हैं कि कौन सी NCERT पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपकी पूरा NCERT का पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, इसमें आपके कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक टॉपिक बाई टॉपिक सभी NCERT कवर की गई है। और इसमें बताया भी गया है कि आपको कौन सी NCERT पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है या फिर नई NCERT पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ कंप्यूटर क्लास मिलेगी, इसमें आपको 16 से 17 चैप्टर हैं आपके और 25 से 30 आपके मॉक टेस्ट हैं। इतना कवर करने के बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे आपका लिखित रूप में हो फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव रूप में हो, आपके सभी सवालों के आप जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। याद रखिए, आपको बस एडजस्ट करना है किसी तरह से, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास था नहीं था कि मैं बैठ के आराम से कर सकूं फ्री होकर, तो थोड़ा जल्दी पढ़ाया गया है लेकिन अच्छा पढ़ाया गया। फिर जाएंगे आप लोग जनरल स्टडी टेस्ट, इसमें आपको ISPCS को ध्यान में रखते हुए आपके मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं वो मिल जाएंगे। इसमें आपके वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी लगा सकते हैं आप लोग यहाँ जाके। टॉप करंट टॉपिक में आपको इसमें आपकी जो भी चर्चाएं रहती हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया अभी चर्चा में, राम मंदिर चर्चा में था, जम्मू कश्मीर मामला आपका चर्चा में था, तो उसके बारे में समझाया जाता है। मानचित्र की बात करें, इस मानचित्र या मैप्स की सूची में आपको जो भी मैप्स का आपका भूगोल में या किसी भी परीक्षा में जो भी महत्व है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे, ठीक है, बहुत अच्छे से मानचित्र का सहारा लेकर समझाया गया है। इसमें आपका सामान्य ज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, आपका संविधान पूरा कंप्लीट, जिस तरह से आपकी लूसेंट बुक्स आती है जिसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं आपके GS के, उसी तरह इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर आपके महत्वपूर्ण संगठन जैसे ISRO हो गया, महिला आयोग हो गया या फिर WHO हो गया है, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। सुपर फास्ट रिवीजन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी परीक्षा के टाइम बहुत कम समय बचता है, तो इसमें जाके आप लोग पूरा, जैसे आपका 2019 का करंट अफेयर्स है तो पूरा एक लेक्चर में मिल जाएगा आपको, इस तरह के जो भी आपके होते हैं, चाहे फिर इतिहास है पूरा इतिहास एक लेक्चर में मिल जाएगा, भूगोल आपका पूरा एक लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके देख लें क्या जाता है, ओपन करके देख लें, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं वरना छोड़ के आगे निकल सकते हैं। इसमें आपके स्पेशल वीडियो होते हैं कोई वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है, इस तरह की आपके कंप्लीट NCERT बुक्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक एक ही लेक्चर में, अगर आप लोग कक्षा 6वीं की जैसे आपकी बुक्स है, हमें पढ़नी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के बारे में, ये कक्षा 6वीं की बुक है, तो एक ही लेक्चर में आपकी ये पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो भी मध्य प्रदेश MP स्पेशल होता है वो सभी लेक्चर आपको इसमें मिल जाएंगे, या आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान मिल जाएगा, जनरल साइंस यानी कि केमिस्ट्री हो गया आपका, जीव विज्ञान हो गया यानी कि बायोलॉजी फिजिक्स, ये सभी मिल जाएंगे इसमें। अब आप लोग, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो सिलेबस पैटर्न प्लस क्वेश्चन पेपर होल्ड।
तो इसमें आपके आईएसपीसी, आईएएस, यूपीएससी, इसमें आपको आईएएस के आप पैटर्न, सिलेबस और आपको पुराने जो भी पेपर हैं आपके 2011 से लेकर 2019 तक, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। और मेरी राय यही है, मेरी तरफ से अगर आप के जवाब देना चाहूं तो यही कि किसी भी एग्जाम की हो या फिर कोई भी जिंदगी में काम हो तो उसे करने से पहले उसके फायदे भी देख लीजिए, नुकसान भी देख लीजिए, ठीक है, और उसके बारे में जान भी लीजिए कि वो काम आखिर है कैसा, ठीक है। तो इसमें आपके सभी मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर और पैटर्न, सिलेबस। इसमें आपका करंट अफेयर्स 2019 का पूरा मिल जाएगा, या आपकी समसामयिक की घटना चक्र भी आती है यूपीपीसीएस के लिए तो वो मिल जाएगी पूरी इसमें। फिर आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी, तो इसमें आपके सभी पैटर्न दिया गया है, सिलेबस दिया गया है और क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं सॉल्व, ठीक है, बड़े अच्छे से सॉल्व किए गए हैं डिटेल में, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अब रही एमपीपीएससी, तो आप यहाँ जाकर एमपीपीएससी के लिए क्वेश्चन पेपर, पैटर्न, नया पैटर्न जो आया है, जो पुराना है, जो कुछ बदला है, और आपके जो भी अभी तक क्वेश्चंस पेपर हुए हैं वो सभी मिल जाएंगे। इसमें आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 का पूरा मिल जाएगा, स्पेशल एमपी जीके मिल जाएगा, कंप्यूटर जीके, स्पेशल वीडियो पूरा आईएएस पीसीएस, जो आईएएस पीसीएस को ध्यान में रख के जो क्लासें ली जाती हैं उसके सभी लेक्चर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये आपका लूसेंट है, इसमें आप फुल जीके जीएस हो गया, ये सभी मिल जाएंगे। और जो हम लोग, जो हमारे लिए बायोग्राफी होती है या जीवनी, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, इस तरह के जो भी पर्सन होते हैं चर्चित में, चर्चा में रहते हैं, उनकी हम लोग जीवनी यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। याद रखिए मेरी तरफ से आपको जो भी जीएस या जीके का पार्ट है आपकी परीक्षा में वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ जाकर आपको कोई भी जीएस हो, फिर करंट अफेयर्स हो या कोई और भी हो, तो उन सभी के लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपके लिए बचा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन रुक जाइए, फिर इन्हें भी शुरू करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अच्छे कोई टीचर मिल जाए, टाइम पास तो करना नहीं है कि पढ़ा दें, कोई लालच हो कि आप लोगों के लिए गलत भी बता दें तो भी चल जाए। तो मेरा उद्देश्य इतना है कि जो भी मैं बताऊं अच्छा ही बताऊं, पूरी जानकारी के साथ बताऊं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहता हूं, ठीक। तो जो भी जानकारी रहेगी 90 से 95% पूरी सही रहेगी, क्योंकि हो सकता है मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो जाए कहीं। और एक बात याद रखिए आप लोग कि अगर कहीं मुझसे गलती हो गई तो प्लीज उसका कमेंट बॉक्स में सही जानकारी लिख दिया करिएगा, क्योंकि इससे ये रहता है कि तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे देखने के बाद जो भी दूसरा लड़का या कोई भी छात्र आता है, कोई भी बच्चा, तो वो जान सके सही जानकारी। तो इतनी जरूर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जाके यार आप लोग एक बार देख सकते हैं, रिव्यू कर लें, मतलब देख लें, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, हजार जगह आपको जानकारी इस तरह की पड़ी मिल जाएगी, ठीक है। और अब रहा मेरा कि कहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो शुरू में बता चुका हूँ, तो यहाँ फेसबुक पेज और दूसरा जीमेल, इन दोनों पर आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्योंकि इस पर हम उपलब्ध हैं। बाकी आपको व्हाट्सअप या कहीं और, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्थित नहीं हूँ मैं, उपस्थित नहीं हूँ, ठीक है। तो फेसबुक पेज पर आप लोग क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं, दूसरा जीमेल पर, और जो भी आपके क्वेश्चंस अभी रह गए हों आप लोग मुझे इसी कमेंट बॉक्स में इसी लेक्चर के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाकर देखिए आप लोग, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि अगर आपका मैथ प्लस इंग्लिश और रीजनिंग ये तीन सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, तो आपको कहीं भटकने की, किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं पैसा बर्बाद करने की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आपका ये भी सॉल्व कर दूँ, लेकिन अभी तक जो भी आपका सॉल्व किया गया है वो पूरा जीएस जीके कंप्लीट किया गया है, ठीक है, जो भी जानकारी दी गई है। अब जैसे इसमें आपका सामान्य ज्ञान है, तो इसमें आपको जो लूसेंट रहती है ना हमारी, आपने देखी होगी लूसेंट, तो लूसेंट में सभी सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है।
तो इसमें भी सभी सब्जेक्ट, बस इतना है इसमें फर्क लूसेंट से कि आपका बड़े स्तर पर है, थोड़ा बहुत डिटेल से अंदर तक घुसकर बताया गया है, ठीक है। तो इसे देखते रहिए आप लोग, चैप्टर बाय चैप्टर इसमें पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, पेपर के टाइम, या फिर आप लोगों को लगता है कि पूरा एक ही वीडियो में आपको लेक्चर मिल जाए, जैसे आपका इतिहास हो गया, या फिर भूगोल हो गया, संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है, इसे आप लोग खोलकर एक बार जरूर देख लें, ठीक है। आपके जो भी सवाल रहेंगे जवाब मिल जाएगा, मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम रहूं। तो चलिए, ये थे आपके सभी सवाल और मेरे जवाब, तो आप लोग शुरू करिए, घर से ही बैठकर करिए, कुछ कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग और इंग्लिश है तो ये भी कई लेक्चर पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पर सर्च तो करिए, आपको यूट्यूब और दूसरा गूगल साइट ऐसी उपलब्ध है जिस पर अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चंस डालिए उसका क्वेश्चंस का जवाब आएगा, बस आपको सही और गलत चुनना है उनमें से कि सही क्या है गलत क्या है। और दूसरा कि अगर मेरी वजह से किसी एक लड़के या किसी एक छात्र के चेहरे पर खुशी आती है, या मेरा 1% भी योगदान रहता है उसकी सफलता में, तो मेरे लिए यही मेरा उद्देश्य है, और मेरे लिए इससे बड़ा कर्म कुछ भी नहीं, ठीक है, सेवा कुछ भी नहीं, मेरा उद्देश्य पूरा होता है, मेरी खुशी इसी में है कि आप लोगों को सफलता मिले, ठीक। और हो सकता है कि कई समझदार हो, ओवर स्मार्ट हो, इस तरह से एक कहानी है, देखिए, एक बार बहुत सारी मछलियां समुद्र के किनारे पर पानी से बाहर आ गई और पानी के बिना तड़पने लगी। एक युवक मछलियों को उठा उठाकर समुद्र के पानी में फेंकने लगा, तो पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मछलियां को बचाना संभव नहीं है। उस व्यक्ति ने युवक को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, शायद मैं हर मछली की जिंदगी नहीं बचा सकता, लेकिन उस मछली का जीवन तो मेरी वजह से बच जाएगा जिसे मैं पानी में डाल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि अगर मेरी वजह से किसी एक इंसान की सफलता में मेरा 1% भी योगदान रहता है, तो उस इंसान से पूछिए कि उसकी जिंदगी में कितना योगदान रहा है, ठीक है। लोग तो बाहर से दिखावा करें, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, और फेसबुक पेज या फिर जीमेल पर आपके भी जो भी क्वेश्चंस रहा करें, जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस रहा करें, उन सभी के क्वेश्चंस का जवाब, सवालों का जवाब हम देने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां सेंड कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस। चलिए, तो ठीक है।